भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने अपने परिवार के साथ साइंस कॉलेज स्थित बूथ क्रमांक 140 पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां, पत्नी, भाई और बच्चे भी थे। मतदान करने के बाद जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में आज पूर्ण आहुति का दिन है, जिस पर आज हर मतदाता बढ़कर हिस्सा ले रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, जनहित और कल्याण की जो योजना बनाई है, वो पूरी दुनिया में आज मान सम्मान के रूप में देखने को मिल रही है। आज देश में लोकतंत्र के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में जनता अपने हिस्से की आहुति आज इसमें दे रही है। और हमेशा ही यज्ञ की पूर्णाहुति का जो फल होता है वो सकारात्मक होता है और हितकारी होता है, देश के लिए हितकारी होता है, समाज के लिए हितकारी होती है। और हमें भरोसा है इन पिछले 5 सालों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जनहित और जनकल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, देश में जितनी तेजी के साथ विकास के कार्य हुए हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं कभी की गई थी, और पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जिस तरह से बढ़ा है, दुनिया के भीतर भारत की आवाज बुलंद हुई है, उन सबके कारण देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।